हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बनाएंगे महुड़ी की स्पेशल सुखड़ी, जिसको हम कभी कभी कसार भी बोलते हैं, राजस्थान की स्पेशल कसार। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई पैन कुछ भी ले लीजिए, उसमें हम आधा कटोरी घी लेंगे। आप कोई भी कटोरी या किसी भी चीज का नाप कर सकते हैं, उसी कटोरी से आप आगे के सारे नाप करिएगा। आधा कटोरी घी के बाद हम इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेते हैं, हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से इसे सेक लेते हैं। ये सीख रहा है इतने। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल का बटन जरूर दबाए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें। इसको हम अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकिएगा, बिल्कुल लगातार हिलाते रहिएगा। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। ये जैसे ही सीख जाएगा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी कि आटा सीख चुका है। देखिए इसका कलर चेंज तो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। ओवर मत सेकेगा वरना आपका आटा जला जला लगेगा और पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। आपको खुशबू आने लग जाए तो बस उसी टाइम गैस बंद कर दीजिएगा। देखिए ये मेरा ऑलमोस्ट सीख चुका है, देखिए अच्छे से सीख चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें आधा कटोरी गुड़ या जैगरी पाउडर, आप जो भी बोलते हैं, इसे मिला दीजिए। गुड़ को आप अच्छे से बारीक कर ही मिलाइएगा, क्योंकि हम गैस का फ्लेम बंद कर चुके हैं तो अब गुड़ पिघलेगा नहीं, बस इसमें मिक्स करना है। इसलिए आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गुड़ को अच्छे से बारीक कर ही इसमें मिलाइएगा और थोड़ा सा फास्ट करिएगा, वरना आपका ये पाउडर पाउडर में हो जाएगा और आपकी जो बर्फी बननी है वो बर्फी नहीं बनकर तैयार होगी। देखिए अच्छे से इसमें गुड़ मिक्स हो चुका है। देखिए गुड़ मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा लग रहा है, पर इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। थाली में फटाफट से आप थाली को ग्रीस कर लीजिए, थोड़ा सा घी बटर आपको जो भी लगाना है, फटाफट से इसको ग्रीस कर लिया है और इसको अब हम फटाफट से ट्रांसफर कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स करने, इसका अच्छे से सेट कर लीजिए। अब फटाफट ट्रांसफर करने के बाद फटाफट से सेट कर लीजिए। थोड़ा सा कटोरी की हेल्प से मैं इसको दबाकर अच्छे से सेट कर रही हूं। देखिए अच्छे से सेट कर लिया है। अभी ठंडा होएगा, उसके बाद ही बर्फी बनकर तैयार होगी, क्योंकि अभी गर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। मैंने बादाम की हेल्प से डेकोरेट करा है, आप चाहे तो काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बादाम की कतरन डाली है। इसको हम वापस थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और सेट हो जाए इसके साथ, वरना ये ऊपर ऊपर ही रह जाएगी। देखिए इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा सेट होने दिया है, ज्यादा नहीं, हल्का सा सेट होने के बाद अब हम इसमें कट लगा लेते हैं। आपको जिस भी शेप में कट करना है उस शेप में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए अभी ये ज्यादा सेट नहीं हुआ है, हल्का ही सेट हुआ है। हल्के सेट में कट अच्छे लग जाते हैं, इसलिए हल्का सा सेट होने के बाद इसमें मैंने कट लगा दिए हैं। बिल्कुल जो महुड़ी में हमारी जो फेमस सुखड़ी मिलती है, सेम टेस्ट है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें घर पर बनाकर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसे बनकर तैयार हुई है। देखिए ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसके बाद कितने अच्छे इसके पीस निकल कर तैयार हुए हैं। आप इसे एक बार जरूर 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 ट्राई करें, कमेंट करके जरूर बताएं।